everyone welcome back to my channel ech education today i am going to explain climb with cornerstone class 6 grammar book chapter 5 noun and number main ise explain bhi karungi and i will solve your exercise also theek okay? hai so let's start सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है noun है जैसे कि सारे बच्चे जानते noun नाउन है क्या पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है वॉट इज़ नाउन नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग है ना दिस इज़ नाउन और नाउन के टाइप भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं अब ये जो नाउन है इसको हमें चेंज करना है सिंगलर है तो प्रूरल में किस तरीके से चेंज होगा कुछ इसके रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर बुक के भी निकाले हैं कुछ अपनी अल, अलग बुक के भी यहाँ पर ऐड किए हैं तो इसमें आपका ज़्यादा ज़्यादा काम है याद करना ठीक है आप जितना याद करेंगे उतना आपको बहुत ही हेल्प करेगा चेंज करने में सिंगलर से प्रूरल और इसके कुछ रूल्स हैं जो आप अच्छे से याद कर लीजिए जैसे कि आपकी बुक में दिया है फर्स्ट रूल है बाय एडिंग एस टू द सिंगलर फॉर्म मतलब आपको कुछ ऐसे सिंगलर्स हैं जिसमें सिर्फ यू हैव टू यूज ओनली एस ओके सो इट विल बी चेंज इन द प्लूरल फॉर्म ओके फॉर एग्जाम्पल हाउस आर्थर बुक सो यू विल पुट ओनली हियर एस एंड इट विल बिकम प्लूरल ठीक है आपको एस बस लगाना है और यहाँ ये प्लूरल में चेंज हो जाता है नेक्स्ट ये याद करने वाला है कि अगर आपके नाउन का एंड ई एस एक्स एस एच एस और सी एच में आता है सॉरी ई एस में नहीं आप ई एस कब लगाएंगे नाउन में जो आपका सिंगुलर उसमें ई एस तब लगाएंगे जब आपकी जो आ, नाउन है उसमें आ, मतलब एक्स सी एच एस एच एस आता है तब जैसे बॉक्स में ई एस लगा दिया है ना क्योंकि एक्स आया है डिश में s चाहे तो आपने ई एस लगा दी इस तरीके से नेक्स्ट आपको बोल रहा है यदि वाई आ रहा है तो वाई को काट के आपको ई एस लगाना है तो पोनी का पोनीज हो गया आर्मी का आर्मीज हो गया इस तरीके से ये आपकी बुक का ही है अदर मैं आपको और बताऊंगी इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन द इंग्लिश टेबल सो आई विल गिव यू एंड आई विल प्रोवाइड यू हिंदी ऑल्सो सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल वैन यू विल रीड हिंदी कॉन्सेप्ट ओके नेक्स्ट है आपका यदि वाई आ रहा है और यदि वॉवल है उसके आगे तो आपको एस लगाना है उसके बाद बोल रहा है ई एस कब लगाना है तो यदि आपका लास्ट में ओ आ रहा है तो ई e एस लगाना है यदि आपका डबल ओ आ रहा है -E आई ई रहा है ई e ओ या ओ आ रहा है तो आपको एस लगाना है इस तरीके से ये आप टेबल को रीड आउट कीजिए आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड मोस्टली आपका एफ़ वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत क्वेश्चन में आता है तो जहाँ एफ़ आ रहा है ना आपको वो कट करके वी ई एस लगाना है लेकिन इसके भी कुछ कुछ आ, रूल्स होते हैं कि कहाँ भी ई एस लगाना है कहाँ भी ई एस नहीं लगाना है ठीक है तो यहाँ पर ये दोनों रूल दे रखे हैं उसके बाद आपका आ, ये हुफ़ वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हुफ़ का क्या बन जाएगा इसको तो आप याद ही कीजिए इसका कोई रूल नहीं है हुफ़ का हुफ्स भी लिख सकते हैं मतलब ओनली एस लगा के भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और आप वी ई एस से भी करेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ हिंदी कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ तो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड आउट ऑल द सिंगलर एंड प्रूरल्स विद रूल्स ओके जिनको इंग्लिश के रूल्स समझ में आते हैं आई हैव ऑलरेडी गिवन विद योर बुक एट जिसको हिंदी के रूल समझ में आते हैं आई थिंक आई हैव गिवन दिस वन आल्सो ठीक है तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एस किस में लग रहा है और ई एस किस में लग रहा है तो फर्स्ट आपको बहुत ईजी है बॉयज गर्ल गर्ल्स डॉग डॉग्स लाइक दिस आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट जैसे कि आपकी बुक में दिया था यदि शब्दों के अंत में एक्स ओ सी एच एस एस एच आता है ठीक है क्योंकि आपकी बुक में एक्स एस एच एस और सी एच बस दिया था ओ नहीं दिया था अपर ओ भी आ गया इसका मतलब आपको वहां ई एस लगाना ये देखिए इस तरीके से लग गया ई एस लग गया सब में इसको आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा एक इसका एक्सेप्शनल केस आता है कि यदि ऑक्स है अब यहाँ आप बोलेंगे इसके लास्ट में एक्स आया है तो हम क्या करेंगे तो भाई ऑक्स का प्रूरल फॉर्म ही ऑक्सन होता है ऑक्सेज नहीं होता है ठीक है तो आप वहाँ पर ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है क्योंकि कई क्यों ऐसे एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं जहाँ पर बच्चे रूल लगा देते हैं बट वहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होता है तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑक्स का प्रूरल फॉर्म ऑक्सन होता है ना कि अकॉर्डिंग टू द रूल ई एस आपको ऐड करना है ठीक है नेक्स्ट ये देखिए इंटरेस्टिंग है आप जब इसको तीन चार बार रीड आउट करेंगे ना अंडरस्टैंड हो जाएंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या लगना है जैसे जिन शब्दों के अंत में वाय आता है वाय हटा के आई ई एस लगाना है ठीक है और उसका ये बोल रहा है वाय से पूर्व कोई स्वर न हो वरण व्यंजन मतलब ये है वाई से पहले कोई वॉवल ना हो ऐसा बोल रहा है है ना तो ये देखिए वाई से पहले स्टोरी में वॉवल है क्या आर वॉवल है क्या नो तो यहाँ पर आई एस लग गया वाई से पहले टी है नहीं काटो आई एस मतलब अगर वाई से पहले अगर वॉवल आ रहा है तो आप वहाँ पर आई ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है वाई से पहले वॉवेल अगर आता है तो आई ई एस नहीं लगाना इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए अब वाई से पहले यदि वॉवेल है तो कुछ नियम लागू इसमें नहीं होते हैं ये चीज़ भी आती हैं जैसे कि ये देखिए ये है, स्टोरी स्टोरी के पहले क्या है वाई है अब आप आई एस काट के तुरंत लगाओगे तो गलत हो जाएगा वाई के पहले देखो क्या है वॉवेल है ई आया है तो वहाँ एस लगेगा मंकी मंकी वाई वाई के पहले क्या है E है वॉवल है तो एस लग गया हमने वाई को काट के आई ई एस नहीं जोड़ा है तो इस चीज को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा नेक्स्ट आपका रूल आता है यदि वहां पर एफ या एफ ई e है तो आप एफ या एफ ई e हटा के वाई ई एस लगाएंगे जैसे कि काफ का ठीक है ये सारी चीज़ें अब इसका एक्सेप्शनल क्या है जैसे प्रूफ आ गया अब आप बोलोगे इसमें भी तो आया है एफ है ना तो हम क्या करें इसको Uh, इसमें ई एस को जोड़े नहीं एक्सेप्शनल है इसको लर्न कीजिए अगर प्रूफ आ रहा है तो प्रूफ सो जाएगा ओनली एस ऐड एड करना है रूफ है तो रूफ हो जाएगा ठीक है ये आपका है जैसे मैन है अब मैं एम ए एन मैन एक होता है लेकिन बहुत सारे आदमी को हम प्रोनाउंसिएट तो मैं ही नहीं करते लेकिन उसकी स्पेलिंग नहीं होती है वही सेम एम ई एन हो जाता है जैसे वुमेन वुमेन का भी ई एन हो जाता है देखिए जैसे यहाँ है वुमेन हो गया वुमेन मतलब आ, वुमेन है तो वीमेन हो गया आ, टूथ है तो उसका टीथ हो जाएगा फूट है तो फीट हो जाएगा लाउस है तो लाइस हो जाएगा लाइज तो सब लोग जानते हैं इंग्लिश में बोलना भले नहीं आता होगा बहुत सारे बच्चों को जुए रहते हैं है ना एक तो रहते ही नहीं है माउस का माइस हो जाएगा गूस का उसका गी सो जाएगा ये चीज़ें आपको लर्न करनी है अगर आपने ये अपनी कॉपी में लिख लिया और उसे दो से तीन दिन एक बार आपने रीड कर लिया हंड्रेड परसेंट डैम श्योर आपको ये लर्न हो जाएगा चलिए तो अब नेक्स्ट और रूल है आपका ये सिर्फ आपको पढ़ना है ना जैसे कि कभी कभी ई एन या आर ई एन भी जुड़ जाता है तो किस में जुड़ जाता है ऑक्स का अक्सन हो जाता है चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है कुछ कंपाउंड वर्ड रहते हैं कंपाउंड वर्ड जैसे फादर इन लॉ ठीक है अब बहुत सारे फादर इन ला बैठे फादर्स इन लॉ फादर इन लॉज नहीं होता ना फादर्स इन लॉ मदर्स इन लॉ लैक दिस ठीक है ये हो गया फिश फिश का पोट्रल फॉर्म हमेशा फिश रहता है फिर ये आपका पीस पीस का मतलब ये जो जितने भी स्पेलिंग से आप भी दे सेम रहते हैं इसका कुछ अलग नहीं रहता है आप एस लगा दें एस लगा दें तो ये आपका गलत हो जाएगा ना सेम रहेगा जैसे शेप इज गेजिंग मेनी शेप आर गेजिंग तो मेनी शेप्स आर गेजिंग मत कर दीजिएगा इन सब आप का आप रीड कर लीजिएगा ठीक है जब मछली हाँ कई बार ऐसा होता है कि फ़िशेज आ तो तो है आप बोलोगे मैडम तो बोली थी फ़िश में फ़िश नहीं आता एस नहीं लगता फ़िश का फिश ही लगता है लेकिन इसमें एक चीज़ बोला है जब मछलियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं बहुत हो टाइप की मछलियाँ होती है तब वहाँ पर फिशेज होता है फ़िश ऑफ डिफरेंट कलर्स आर स्विमिंग दैट इज़ करेक्ट ठीक है ये चीज़ है अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलिए अब मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से आता है चेंज द नाउंस इन द ब्रेकैट इनटू प्रूरल अब आपको प्रूरल में चेंज करना है लेकिन जब तक याद नहीं होगा कैसे चेंज करोगे है ना और मेक अदर नेसेसरी चेंजेस अगर कोई दूसरा चेंज करना है वो भी कर सकते हैं यू माइट नॉट नीड टू मेक एनी चेंजेस इन सम केसेस चलिए फर्स्ट है माई ग्लास अब ग्लास का आपको प्रूरल नहीं पता होगा तो कैसे करोगे तो ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा आप ब्रैकेट को ही देखिए ना क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिंगलर का प्रूरल बनाना है मॉस्कीटो है मॉस्किटोज वस्प वॉस फिर चाइल्ड चायल, चाइल्ड का क्या हो गया अपना चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा है ना इसको आप कर लीजिएगा फिर वुमेन मैंने अभी बताया है ए काट के ई कर देना विमेन हो गया फिर कॉलोनी वाई काट के आई एस कॉलोनीज होगा फेलोज हो गया वॉल्फ एफ है तो एफ़ को काट के वी ई एस डालोगे फुटमैन है मैन है मतलब बहुत सारे को बोल रहा है तो E को काट के ई e लगा दीजिए ठीक है ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होंगे जब तक आप लर्न नहीं करेंगे इफ यू विल लर्न ऑल द सिंगलर प्लूरल्स एंड रूल्स ऑल्सो दैन यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑल्सो बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज डिपेंड ऑन द रूल्स है ना एज द मैथ्स मैथ्स किस पर डिपेंड होता है उनके फॉर्मुलेज पर और ये भी इनके फॉर्मुले हैं ठीक है हाउ मैनी पेन पेन का हो जाएगा पैनस बैग्स ऐसे लग गया मैंगोज मैंगोज हो जाएगा वेंडर्स रूम्स फिर उसके बाद क्या है आपका कंट्री वाई काटो आई ई एस कंट्रीज गूज का गीज जैसे कि लास्ट रूल में बताया गया था काल का एफ काट के भी ई एस हो जाएगा काट हो जाएगा पौंड का पौंड्स हो जाएगा ठीक है ये चीज़ें आपको रूल से ही है. अगर मैं सेंटेंस पढ़ूँगी बिना तो भी इतना क्लियरली आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आए कि जब तक आप उनको याद नहीं करेंगे ठीक है तो मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बच्चों मेरे वीडियो देखते कि साथ ही रफ़ कॉपी में आप स्पीडली लिखते जाइए रूल्स को भी लिख लीजिए और फिर उसके बाद जितने मैंने सिंगुलर प्लुरल बताए ना सबको आप पढ़िए तो देखिए आपके टीचर आपको जब भी कुछ देंगे करने के लिए डेफिनेटली यू विल सॉल्व अब ये बोल रहा है इसका प्रूरल बनाओ सेल्फ का क्या प्रूवल होगा रूल पता है तो एफ़ को काट के ई एस लगा दो किलोस अब ये सिंगुलर है इसका प्रूलर बनाना है अब वो प्रूरल था तो उसका सिंगुलर बनाना था इस तरीके से है ना तो अब किलोस एस लगाए एस हटा दो किलो कर दो वॉच ई एस लगा दो डंकी अब वाई है काट के मत कर देना भाई उसके आगे वॉवेल है इसलिए ऐसा आएगा है ना लाइफ का लाइफ हो गया ई वाई को काट के आई एस करो क्योंकि उसके जो आगे है वो वॉवेल नहीं है फिर फ्लाइज का हो गया फ्लाई हो गया फीट का हो गया फुट ओके अब नेक्स्ट आपका आता है ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है आपका नेक्स्ट आपका ये है स्टेट वेदर द हाईलाइटिंग नाउन अब देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल आप जानते हैं जिन चीज़ों को आप गिन लोगे वो काउंटेबल हो जाएंगी जिन चीज़ों को आप गिन नहीं पाओगे वो अन क्या हो जाएंगी अनकाउंटेबल हो जाएंगी तो आपकी बुक में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो सिर्फ आपको वही वर्ड देखना है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल अब रूटने से किसी के हम गुस्सा हो जाते हैं बहुत रूट बात करते हैं तो वो हम काउंट कर लेते हैं क्या नहीं कर पाते ना किसी का गुस्सा तो अनकाउंटेबल हो गया एप्पल्स एप्पल्स आप काउंट कर लोगे आप आपको एक किलो ला के दे दे दस किलो ला के दे दे और आपकी मम्मी बोले चलो लेट्स काउंट इट आप काउंट कर लोगे इसलिए वो काउंटेबल हो जाएंगी ठीक है उसके नीचे आपका आता है शुगर शुगर काउंट कर सकते नहीं कर सकते उसका एक एक दाने को नहीं काउंट कर सकते इसलिए अनकाउंटेबल हो गया वाटर को भी नहीं कर सकते अनकाउंटेबल डॉग को कर सकते चार पांच डॉग खड़े कर दे आप बता दोगे देयर आर फाइव डॉग्स ओके फिर स्टार्स को काउंट कर सकते हैं नो चॉकलेट्स को कर सकते हो काउंटेबल हैप्पीनेस किसी की खुशी को काउंट कर सकते नो no. वो तो फीलिंग करने वाली चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है है ना तो उसको क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल राइस को काउंट कर सकते हो नो no, वो भी अनकाउंटेबल किसी की काइंड को काउंट कर सकते हो नो दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल है ना अब नेक्स्ट आता है रीराइट दीज सेंटेंसेज इन दिंगर इन सम केसेज द सेंटेंस विल रिमेन्स अनअल्ट्रेट तो, uh, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप सेंटेंस को चेंज कीजिए ठीक है और कहीं पे जरूरत नहीं है तो मत कीजिए वही है कि आपको सिंगुलर में चेंज कर देना है उसको क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है प्रूरल सेंटेंस है तो फर्स्ट है आपका देर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन द टेबल्स आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर लगाए ऐस तो हाँ तो वहां से एस को खटा दो भैया खा जाओ और खा के मोटे तगड़े हो जाओ हो गया क्या बना देर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन द टेबल दैट्स इट नेक्स्ट जो दो हैं वो नो no चेंज वाले हैं क्योंकि शिप का शिप्स नहीं होता है ना मैंने आपको बताया था इनिंग्स ऑलरेडी दे रखा है तो इनिंग्स का इनिंग्स ही रहता है इसलिए दोनों नो चेंज रहेंगे ठीक फोर्थ नंबर का आता है आई डोंट नो द चिल्ड्रन चाइल्ड का चिल्ड्रन जैसे कि मैंने आपको बताया था तो चिल्ड्रन का आर ई एन काट दो और चाइल्ड लिख दो फिफ्थ नंबर का क्या होता है गेट मी थ्री पेयर ऑफ टोंग्स टोंक्स का मीनिंग क्या होता है टोंग्स का मतलब होता है चिमटा ठीक है तो चिमटे के लिए क्या थ्री पेयर्स ऑफ चिमटन मतलब कि तीन भी है ऐसे भी लगा दिया और चिमटे के आगे भी ऐसा लगा हुआ है दिस इज नॉट गुड इसीलिए यहाँ थ्री काट के ए पेयर होता है ए लगाया और एस को काट के पेयर कर दिया ये करेक्ट हो गया नेक्स्ट आपका आता है द ऑन लुकर सून मूव डे ऑन लुकर्स कौन होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन लुकर्स ऑन लुकर्स मीनिंग इज ऑडियंस ऑडियंस को बोल रहा है कि बहुत जल्दी ऑडियंस वहाँ से दूर चले गए ठीक है ऑन लुकर्स दूर चले गए तो भाई ऑडियंस audience, ऑडियंसिस नहीं होता है उसी प्रकार से ऑन लुकर होता है ऑन लुकर्स नहीं होता है इसीलिए वहाँ पर एस को हमने कट कर दिया अब नेक्स्ट है का रिमूव द एपारिटिस है ना एपारिटिस मतलब होता है औजार ठीक है औजारों को दूर करो है ना एपारिटिस समझ में आया आयाटिस ठीक है इसका मतलब होता है औजार औजारों को दूर कर दो तो औजार के लिए यहां जो ई एस दे रखा है उसको हम कट कर देंगे ठीक है तो क्या बन जाएगा एपारेटिस सस नहीं होगा लास्ट वाला नेक्स्ट आपका आता है कीप हिज़ बिलोंगिंग्स इन द चेस्ट अब चेस्ट बहुत सारे नहीं होते हैं right? राइट तो उसका एस कट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस नहीं होती एक्सेप्टेशन होगी एक ही बच्चा है ना इस कारण से तो वहाँ एस कट जाएंगे और यहाँ ऑब्लिगेशन से लॉज है लैंड से यहाँ पर भी एस काट देना है क्योंकि कानूनों ऐसा नहीं होता है भूमियों ऐसा नहीं होता है भूमि होता है ना इसीलिए वहाँ पर एस को आपको कटआउट कर देना है ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज है देयर आर सम एरर्स इन दी सेंटेंसेस मेक चेंज एज रिक्वायर्ड अगर आपको लगता है तो उनको चेंज कीजिए है कुछ एरर आई प्रेफर टू वेयर अ ट्राउजर देखो ट्राउजर नहीं होता ट्राउजर्स होता है तो आई प्रेफर टू वेयर अ पेयर ऑफ ऑफ ट्राउजर्स हो गया ठीक है नेक्स्ट है द न्यूज़ आर गुड न्यूज़ न्यू के आगे एस तो कंपल्सरी लगाना है लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं होता समाचारों समाचार ही कहलाता है वो भी इसलिए न्यूज़ इज आएगा बहुत सारे के लिए आर यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट आपका है I want टेन dozens bananas. अब देखो bananas तो बोल ही रहे फिर dozens क्यों बोलना dozen डजन का आप देखना रूल्स में डजन का डजन ही होगा इसलिए वहाँ का S हमने कट कर दिया फिर नेक्स्ट है कट ए क्लॉथ विद अ सीज़र सीजर्स होता है सीजर नहीं होता है वहाँ ऐस लगने के बाद ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी कैचियाँ कैंची में ही सिर्फ सीज़र्स बोलेंगे सीजर दे दो ऐसे कोई नहीं बोलता सीजर्स ठीक है तो वहाँ एड जोड़ेंगे आप नेक्स्ट डे द जूरीज डिक्लेयड हिम गिल्टी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एक लाइन ये भी थी ज्यूरीज की तो वहाँ ज्यूरीज नहीं होता है जब पांच लोगों का एक समूह बनता है फैसले के लिए तो उसे ज्यूरीज नहीं बोलते उसको जूरी बोलते हैं जूरी का मतलब ही चार पांच लोगों का समूह है तो वहाँ पर आई ई एस क्यों लगाएंगे इसीलिए इसकी स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिख दी जे यू आर वाई ठीक है सिक्स नंबर पर मैथोमेटिक्स अब मैथोमेटिक्स ऑलरेडी एस है तो फिर वहां पे आर क्यों लिखना इसलिए यहाँ पे इज आ गया सेवन नंबर पे इंफॉर्मेश्स इंफॉर्मेशंस की जब सम है तो वो तो कुछ ही है ना इसलिए वहाँ का एस कट हो गया नेक्स्ट है आपका माई फादर बॉट मी अ पेयर अब एक पेयर तो बाइनोकुलर्स होता है तो वहाँ एस एड करेंगे ठीक है नेक्स्ट डे वी आर ग्रेटफुल फॉर एजुकेशन एजुकेशंस नहीं एजुकेशन होता है ओके okay? तो एस कट करेंगे द कमांडर इन चीफ चीफ्स नहीं होता है ओनली कमांडर इन चीफ होता है इसलिए एस कटेंगे एस कट करेंगे और फोर्स नहीं होता फोर्सेज होता, होता है आर्म फोर्सेज होता है थ्री कंट्रीज तो वाई काट के आई ई एस आप रूरल बनाएंगे इसको ठीक है तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको बस पढ़ना है और ब्रैकेट से उठा उठा के यहां रखना है जैसे कि ये शिफ्टेड ऑल हिज फर्नीचर्स नहीं होता फर्नीचर टू हिज न्यू हाउस होता है ही गेव द शॉपकीपर अ हंड्रेड रुपी नहीं है रुपीज हंड्रेड रुपीज होगा नेक्स्ट आपका ओल्ड मैन कैन नॉट सी विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स होता है स्पेक्टिकल नहीं होता है क्योंकि दो ऑलरेडी है ना उस चश्मे में एक ही नहीं रहता एक आंख का चश्मा नहीं रहता दो रहते हैं स्पेक्टिकल्स ठीक है आई कट द स्ट्रिंग विद अ पेयर ऑफ सीजर्स ओके सीजर्स अभी में जैसे कि मैंने बताया सीजर नहीं होता सीजर्स होता है उसी प्रकार से द कैटल आर गेजिंग अब देखो आर यहाँ पे आ गया है तो एस के कैटल होगा कैटल गेजिंग इन द फील्ड आई हैव अ फ्यू डॉलर्स विद मी आई आई हैव अ फ्यू डॉलर्स विद मी हो गया आई हैव सम इन्फॉर्मेशन सम इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पर जैसे कि हमने एक्सरसाइज में किया था सम इन्फॉर्मेशंस में एस को काट दिया था उसी प्रकार सम के साथ यहाँ पर एज यूजल इंफॉर्मेशन आएगा नेक्स्ट एट नंबर का है आपका वी हैव ऑल द इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स ऑल तो है तो मेंट्स क्यों आ इक्विपमेंट आएगा आई लाइक आई लाइक टू ही डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक म्यूजिक्स नहीं होता है नेक्स्ट है आपका देर आर थ्री देयर आर थ्री पीपल्स कभी नहीं होता पीपल ही रहता है पीपल का मतलब ही लोग रहता है मतलब भीड़ से भरे हुए बंदे रहते हैं ठीक है इस प्रकार से मेरी पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा दी और बहुत डीपली और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं लास्ट में फिर से कहना चाहूँगी कि आप जितने भी सिंगलर प्रूरल के रूल हैं एक पेज में लिख लीजिए उसके बाद जितना मैंने सिंगलर प्रूरल आपको एक्सप्लेन किया है आप वहाँ पर लिखिए सिंगलर का ये प्रूरल बना फिर ये सिंगलर का बना तो आपकी ये जो टेबल बनने तैयार होगी रूल की और सिंगलर क्रूरल की आपको बहुत हेल्प करेगी अप टू टेंथ तक आपको हेल्प करेगी हंड्रेड परसेंट श्योर sure, ओके okay? मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच टेक केयर बाय